फिर उन्होंने हमको बताया कि शेरेटन होटल के बारे में और बहुत सारी चीज़ें बताई, और फिर उन्होंने हमको वाटर विला के बारे में बताया, फिर क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट कहाँ पर है उनका, वाटर स्पोर्ट्स कहाँ पर है उनका, सब चीज़ बताया, एक एक चीज़ बहुत प्यार से एक्सप्लेन किया था, बहुत मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जर्नी जर्नी दो टाइप की थी, पहली तो एक्चुअल जर्नी थी और दूसरी लर्निंग की जर्नी थी। हुआ ये कि आवर बुकिंग गॉट कैंसल्ड टुवर्ड द लास्ट मोमेंट एंड वी हैव नो आइडिया कि अब कहाँ जाना है। वी जस्ट केम टू एयरपोर्ट एंड लाइक अब सोचेंगे, वी जस्ट थॉट, वी जस्ट गॉट फ्यू आइडियाज, वी गॉट लोएस्ट टू लोएस्ट, सम हाउ आवर एजेंट गेव अस this shelter booking, but we got a plan B. If this would not be there, we would have done something else. So this is how we are here. Till now we have not changed our clothes, but it's still enjoying. Let's see what happens next. और पहले क्या खाने जा रहे हैं अपन? अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। Oh, hopefully in veg and non veg की combination है, but since यहाँ Indians काफी आते हैं और शेल्टन अच्छा नाम सुना हुआ है तो होपफुली विल बी गेटिंग समथिंग बेटर बिकॉज काफ़ी अच्छे रिव्यूज थे इनके। यस, मतलब इतना टेस्टी इंडियन फूड मिला हम लोग को, ये तो बस डन विद द ब्रेकफास्ट एंड एज एक्सपेक्टेड, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड बट इट वाज अ काइंड ऑफ अ गुड क्यूजिन। बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, टेस्टी था। यहाँ डोसा था, मेरे को सबसे ज़्यादा अपना आई लव साउथ इंडियन डिश। आपको पूरे इंडियन क्यूजिन मिलेंगे और सही से मिलेंगे, सो सब टाइप के थे। आपको ऐसा नहीं रहेगा कि नॉन वेज है, वेज है, यू गेट एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट एंड स्टाफ इज़ वेरी गुड सपोर्टिव एंड दे आर वेरी हेल्पफुल इन नेचर। बाय बाय। फोटोशूट के लिए सो बेसिकली दे विल बी टेकिंग लॉट ऑफ फोटोज ऑफ अस एंड दे विल बी आस्किंग कि आपको कौन सी फोटो पसंद है एंड वो आपको फ्रेम करके देंगे। सो वी हैव बुक्ड अ स्लॉट एंड वी आर गोइंग टू अवेल दैट स्लॉट, सो दैट्स इट, वी विल अपडेट यू ऑल। बाय बाय।
डे थ्री फिर हमें स्नॉर्कलिंग के लिए बुलाया गया, फिर हमने स्नॉर्कलिंग की प्रैक्टिस की, पर मुझसे तो नहीं बना, पर इन्होंने किया और इन्हें भी मैं ज्यादा दूर जाने नहीं दी।